हेलो, आई एम रुपेश कुमार एंड वेलकम टू द माई चैनल PR बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, इग्नू एक कोर्स कराती है जिस कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन फ्लेबोटॉमी असिस्टेंट CPHA। ये सर्टिफिकेट कोर्स है और इसका जो ड्यूरेशन है होता है वह 6 मंथ्स का होता है मिनिमम ड्यूरेशन, और मैक्सिमम ड्यूरेशन वह 2 ईयर्स का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है तो प्लस टू विथ साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं जो बायोलॉजी मुख्यतया तौर पर प्लस टू में रखे हैं। मीडियम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपको इसके जो है SLM मिलेंगे, उससे आपको पढ़ना पड़ेगा। फीस 7500 रुपया है और 200 रुपया आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेंगे। इसमें सीट जो है पर स्टडी सेंटर 20 से 30 स्टूडेंट्स का ही इसमें एडमिशन होता है। रीजनल सेंटर इसका भुवनेश्वर है, आर्मी उधमपुर है, चंडीगढ़ है और विशाखापत्तनम है। ये कोर्स कर लेने के उपरांत आप किसी भी पैथोलॉजी में एज ए पैथोलॉजी सहायक के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्पेसिमेन को, चाहे ब्लड हो, चाहे वह यूरिन हो, चाहे वह स्टूल का सैंपल हो, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्टोरेज कर सकते हैं, उसको डिसइन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड, डिसइन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं। आप किसी स्पेसिमेन को कलेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डाटा जो है पैथोलॉजी से, हर जांच से रिलेटेड जो डाटा है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के आप पैथोलॉजी में एज ए सहायक के तौर पर आप काज कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े पैथोलॉजी होते हैं, लैब होते हैं, तो उस लैब में आप एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। यह इग्नू, ये जो हम आपको रीजनल सेंटर बताएं, इस रीजनल सेंटर पर उपलब्ध हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जुलाई सेशन या आगे जनवरी और जुलाई सेशन, दोनों सेशन में इसमें एडमिशन होता है। आप दोनों सेशन में एडमिशन आप इसका ले सकते हैं।